नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपका भी हमारी तरह अष्टमी और कन्या पूजन बहुत अच्छे से संपन्न हो गया होगा। आपने हमारे पिछले ब्लॉग में कन्या पूजन देखा कि किस तरह हमारा कन्या पूजन और अष्टमी का पूजन बहुत अच्छे से हो गया है। अगर नहीं देखा है तो हमारे पिछले ब्लॉग में जाके आप देख सकते हैं। और माता रानी का ये दरबार जो 8-9 दिनों से आकर्षण का केंद्र बना हुआ था, आज ये दरबार भी हम यहाँ से हटा लेंगे और हमारे घर का ये हिस्सा एक बार फिर से सोना होने जा रहा है, क्योंकि आते जाते नज़र पड़ते ही यहाँ पर बहुत अच्छा हमको महसूस हो रहा था और स्वयं ही हमारा माथा श्रद्धा में झुक जाता था। बाहर से भी कोई बंदा आता था तो वो भी नमन करे बिना अपने आप को नहीं रोक पाता था, लेकिन अब ये दरबार हमें यहाँ से हटाना पड़ रहा है क्योंकि नवरात्रे संपन्न हो गए हैं। पर कोई बात नहीं, अभी और भी त्यौहार आएंगे और हम अच्छे से अच्छा डेकोरेशन करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी अखंड ज्योत भी संपन्न हो गई है और नवरात्र जाते जाते ही माता रानी ने हमें दो बहुत बड़ी खुशखबरी दी हैं। एक खुशखबरी तो ये कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है और जहाँ मैं ट्रांसफ़र चाह रहा था उसी जगह मेरा ट्रांसफ़र हुआ है, और दूसरी खुशखबरी ये कि नवरात्र समाप्त होते ही हमें एक दावत में जाने का मौका मिल गया है। तो आज हम एक दावत में जा रहे हैं, मेरी कज़िन है, सिस्टर है, उनके पोते का आज नामकरण है, तो आज हमें वहाँ जाना है, दिल्ली जाना है। तो अब हम बस तैयार होते हैं। तो दोस्तों, हम सब तैयार हो गए हैं, बस कैब का इंतज़ार है और कैब आते ही हम जाएंगे दिल्ली। मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, बड़ी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, आंधी तूफान भी आ सकता है कल की तरह और बारिश भी हो सकती है, तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन काफ़ी सुहाना मौसम बना हुआ है। इधर नैना भी तैयार हो गई है, व्योम हटना शाम से, क्या पहने आज नैना ने? जंग सूट, जंप करोगे इसे पहन के? जंप नहीं कर सकती। लुकिंग प्रीटी, हेयर स्टाइल भी थोड़ा चेंज हुआ है आज। और व्योम शर्मा, यश ये अभी से थकान महसूस कर रहा है, आज स्कूल भी नहीं गया तब भी थक गया ये। चलो अपनी आउटफिट दिखाओ लोगों को, हमारे सब्सक्राइबर को अपने कपड़े दिखाओ, क्या पहना है तुम्हारे? वही हर जगह पहनने वाले जूते, हर जगह पहनने वाली जींस। जेंट्स की तो ये दिक्कत है, बस शर्ट पहनने वाली शर्ट, नई शर्ट है इसकी, और आज नया हेयर कट भी है इसका। हम जेंट्स लोग की तो ये दिक्कत है भाई, शर्ट पहन का हेयर कट होता है, ज्यादा से ज्यादा कोट, बस यही सब कह रहे, 50 का हेयर कट होता है, वही 1 साल पुराने जूते, 1-2 महीने पुराने वाली जींस, और ये बस शर्ट ही नहीं है, 50 रुपए का हेयर कट, क्या ही नया है हमें। फिर भी तुम क्यूट लग रहे हो। वो तो मैं बचपन, हमें तो वही सब पहनना है। नहीं, पापा के भी दिखाते हैं, शुर पापा थोड़े थोड़े सेम हो रहे हैं। हाँ, हमारे शर्ट का पैटर्न थोड़ा थोड़ा सेम है। मैंने भी नई शर्ट पहनी है वैसे तो, पर हमारे लिए कुछ पहनने को ज्यादा कुछ होता नहीं है, ये सब बहुत बड़ा झूठ है, इनकी कबर्ड भी पूरी भरी हुई है, ये हमें दिखा रहे की हम इनके सारे, हमने सारे कपड़े खरीदे। मम्मी को दिखाओ आज क्या पहनी होगी, मम्मी को दिखाते क्या पहनी। तो गाइस, फाइनली फंक्शन में जाने के लिए मैं भी रेडी हो गई हूँ, और आज मैंने बहुत ही दिनों में साड़ी वियर की है, फाइनली मेरे से साड़ी बन गई है, और देखिए आप बताइएगा आज मेरा लुक कैसा लग रहा है साड़ी में। और अब हम आपको दिल्ली जाके मिलते हैं, आ गई है और अब हम जा रहे हैं दिल्ली के लिए, बस अब बैठ रहे हैं, मम्मी आ रही है नीचे, यश घूम रहा है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बारिश होने ही वाली है अब, और यहाँ पे हम टोल पे रुके हुए हैं। यशु भी गाड़ी से उतर गया है अब, क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा है, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है यहाँ पे। प्लीज़ मुझे बैठ जाना, तो यशु विंडो के लिए लड़ रहा है, एक कट जाएगा। घर से निकलते ही भूख लग गई है इनको, फंक्शन में पहुंचने का इंतजार नहीं किया इन्होंने। जी सो ड्रिंक दोनों बैग भाई लगे हुए। ये मेट्रो जा रही है ऊपर से, थोड़े दिनों में मेरठ में भी चलने वाली है, बस दिनों में नहीं सालों, हाँ थोड़े सालों में।
ये हमारी भाभी है, सब योगिता की ससुराल वाले। ये दीदी है हमारी, ये बड़ी दीदी है। और गाइस ये सब यूट्यूब पे जाने वाला है, हमारी भाभी थोड़ा, ये भाभी थोड़ा बुढ़िया हो गई है। सही बात।
घर पहुंचने से पहले हमने लिया एक छोटा सा चाय ब्रेक। हमारी चाय बन के आ रही है अभी गाड़ी में ही। मग कितने प्यारे हैं यहाँ, मग ले ले पापा। मग की क्या प्राइस है भैया? 200 का पेयर है। कौन सा लेना बता? मग उधर देख ले, उधर तो देख। ये सोप बाउल देखो, ये कितने का भाई? 350 का पेयर है। ये ले लो, ये शोर मेरा ले लो, ये। पर इसमें पिया तो कुछ जाएगा नहीं है, बिना फालतू का मतलब ऐसा शो पीस है ना। हाँ मुझे डार्क कलर चाहिए, डार्क चाहिए। ये वाला चला रहा था कलरफुल। हाँ ये ले लो, फंक्शन अटेंड करके हम वापस चल दिए हैं घर के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, कुछ भोले बिछड़े लोग मिले, हमारे सब्सक्राइबर भी मिले। पहली बार हम ऐसा हुआ कि हमें सब्सक्राइबर मिले यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ ब्लॉग को हम एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे जय श्री कृष्ण, राम राम राधे राधे जय श्री कृष्ण, राधे राधे जय श्री कृष्ण, राम राम, गुड नाइट।